तो हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। आज की वीडियो हम बताएंगे टिकटॉक पर आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टिकटॉक के अकाउंट की जितने भी ऑल सेटिंग होती हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट मिलते रहे। तो जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं, आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है या आपके टिकटॉक अकाउंट पर व्यू नहीं आते तो आप वो सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आपका अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हो जाए और मिनटों में जो रैंक करने लगे, फॉलोअर व्यू आए, तो कैसे करेंगे सब डिटेल बताने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल की मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आपने टिकटॉक इंस्टॉल नहीं की तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आज आपको मैं बताऊंगा कि पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने करना क्या होगा, आपने डेली लाइव पर क्लिक करना होगा और यहां पर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां गार्डन, अब आपने यहां से सेलेक्ट करना है, आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। मैं यहां पर मेल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और स्टार्ट वॉचिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से अकाउंट है वो हमारा जो कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हो चुकी है। अब हम करेंगे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं माइक मी के ऑप्शन पर आता हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइनअप, साइनअप के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आएगा यूज मोबाइल एंड ईमेल फेसबुक, और आपने करना क्या, मैं यहाँ पर मोबाइल पर करना चाहता हूँ। अगर आप फेसबुक के साथ अटैच करना चाहते हैं तो फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं मोबाइल पर नंबर पर जाऊँगा, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपकी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पर एक OTP रिसीव होगा, वो हमने यहाँ पर जो कि सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद सेंड कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार हिस्सों का आपको OTP रिसीव होगा। यहाँ पर एक मिनट का टाइम है, ऑटोमेटिकली जो कि OTP जो कि यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख, यहाँ पर आपने अपना कोई भी पासवर्ड रख लेना है। फर्ज कर यहाँ से मैं अपना कोई पासवर्ड रख लेता हूँ, आपने यहाँ पर पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर लिखना है अपना यूजर नेम, जैसा कि आपने जो अपना नाम रखना चाहते हैं अपनी ID का वो यूजर नेम रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम रख लेता हूँ। तो यहाँ पर नाम रखने के बाद यहाँ पर साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने करना क्या होगा, कुछ सेटिंग्स करनी होगी, हमने तीन डॉट्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्विच टू प्रो अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, अदर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गार्डन सेलेक्ट करनी है, मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल। मैं मेल हूँ तो यहाँ मेल सेलेक्ट करके डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको जो कि मिल चुका है, अकाउंट की सेटिंग हो चुकी है। अब आपको मैं बताऊंगा प्रोफाइल कैसे चेंज करते हैं। प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ दोस्तों जो कि हमारे टिकटॉक अकाउंट की सेटिंग है वो हो चुकी हैं, अकाउंट हमारा प्रो अकाउंट हो चुका है और प्रोफाइल जो कि लग चुकी है। अब बात करते हैं वीडियो कैसे अपलोड करनी है। वीडियो आपको अपलोड नहीं करनी आती तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं सब डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो छिलकर अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट्स मिलते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।